एंकल पेन हो रहा है और एमआरआई में लिखा हुआ है ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन, ओसी लीजन। आखिर ये क्या है, क्यों एंकल में दर्द हो रहा है, ये क्यों डेवलप हो गया और इसे कैसे ठीक करें, इसी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थरोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस्पोर्ट। दोस्तों कई बार एंकल में चोट लगने की वजह से या ट्विस्टिंग की वजह से हमारे एंकल का जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाता है एक पर्टिकुलर जगह से, उसको बोलते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन, मतलब कार्टिलेज और उसके नीचे वाली बोन दोनों डैमेज हो गई। जब एमआरआई कराते हो तो ये लीजन दिखाई देता है, ये टेलर डोम में दिखाई देता है जनरली, जो एंकल के जो नीचे वाली हड्डी है उसके अंदर। और इसमें सिम्टम ऐसे आते हैं कि जब पेशेंट चलता है तो काफ़ी पेन होता है एंकल में, सूजन आ सकती है क्योंकि वहाँ का कार्टिलेज डैमेज हो गया है। तो दोस्तों इसको ठीक करने के लिए छोटी सी सर्जरी करनी पड़ती है दूरबीन से, आर्थरोस्कोपिक सर्जरी। अगर आपका लीजन बहुत छोटा है तो ये बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकता है। इसमें हम पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के इंजेक्शंस लगाते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, उसमें रीजनरेशन की पावर होती है और वो सबकॉन्ड्रल बोन पे भी एक्ट करते हैं, तो कई बार छोटे ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन पीआरपी से ठीक हो जाते हैं। पर अगर आपका ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन बड़ा है तो इसके अंदर कई बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। आज हम डिबेट करेंगे कि आखिर कितनी तरह की सर्जरी हो रही है और क्या क्या इसमें एडवांसमेंट आ गए हैं। सो पहली सर्जरी का नाम है ओट्स, OATS, ऑस्टियोकॉन्ड्रल एलोग्राफ्ट ट्रांसफर सिस्टम। दोस्तों इस सर्जरी में हम क्या करते हैं, आपके नी जॉइंट से, घुटने से हम एक कार्टिलेज और बोन का प्लग निकालते हैं और जो आपका कार्टिलेज जो एंकल में ख़राब हो रखा होता है उस पे इस नए प्लग को डाल दिया जाता है। वहाँ से वो ख़राब कार्टिलेज निकाल के एक नी से हेल्दी कार्टिलेज डाल दिया जाता है। इसके अंदर आर्थरोस्कोपिक सर्जरी होती है, ये चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, दूरबीन से हो जाती है। नी की भी होती है, दूरबीन से होती है और एंकल की भी होती है। तो इसमें आपको ऑपरेशन के बाद 1.5 महीने तक वज़न नहीं देना होता है एंकल में और धीरे धीरे आपका जो हीलिंग हो जाती है और इसमें आपका दर्द ख़त्म हो जाता है, 1.5 महीना रिकवरी में लगता है। पर इसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि आपका खुद का ही कार्टिलेज है जो हमने आपके डैमेज कार्टिलेज की तरफ लगा दिया है और ये आपको बिल्कुल ठीक कर देता है। दूसरी सर्जरी का नाम है दोस्तों ग्राफ्टनेट। ग्राफ्टनेट में हम क्या करते हैं, आपके नी से छोटे छोटे कार्टिलेज के पीसेस निकाले जाते हैं, वो एक चैम्बर में इकट्ठे हो जाते हैं और वो जो छोटे छोटे कार्टिलेज के पीसेज हैं वो फिर हम जो एंकल में जहाँ पर कार्टिलेज डैमेज हुआ उसको क्यूरेट आउट करके और उसके ऊपर वो कार्टिलेज के पीसेज और साथ में उसको फिब्रिन ग्लू से चिपका दिया जाता है। ये भी दोनों आर्थरोस्कोपिक सर्जरी है। सो ग्राफ्ट नेट के अंदर भी आपको 1.5 महीने तक वजन नहीं देना होता है, फिर धीरे धीरे रिहेबिलिटेशन चालू होता है और आपका कार्टिलेज वापस अच्छा होता है जैसे कि पहला था। जो तीसरा प्रोसेस है दोस्तों उसके अंदर नी की सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मार्केट के अंदर एक कॉलेजन मैट्रिक्स आता है, सो हम जो आपका जो ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन है उसको हम थोड़ा डिब्राइड करते हैं, निकालते हैं और कार्टिलेज निकालने के बाद एक कॉलेजन मैट्रिक्स और फिब्रिन ग्लू आर्थरोस्कोपिक मतलब दूरबीन के द्वारा वहाँ पे जमा दिया जाता है। सो कॉलेजन क्या करता है, आपके डैमेज कार्टिलेज पे एक मैट्रिक्स जैसे फॉर्म कर लेता है, स्कैफोल्ड बनाता है। स्कैफोल्ड का मतलब एक जाली सी बना देता है जिसके अंदर ग्रो करने की जगह होती है, तो जो आसपास के जो हेल्दी कार्टिलेज सेल्स हैं आपके एंकल के वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं और कार्टिलेज वापस आ जाते हैं। फोर्थ सर्जरी में हम बोन मैरो यूज़ करते हैं दोस्तों। सो इस सर्जरी के अंदर हम आपका बोन मैरो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं आपके लैग क्रैश से, उसको नीचे लैब में भेजा जाता है, उसको प्रोसेस करके हमें बोन मैरो सेल्स मिलते हैं जिसमें स्टेम सेल्स होते हैं। ये स्टेम सेल्स हम फिब्रिन ग्लू में मिला के आपका जो डैमेज कार्टिलेज है उसको क्यूरेट आउट करके और वहाँ पे डिपॉजिट किए जाते हैं। तो स्टेम सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे कार्टिलेज सेल्स का फॉर्म ले लेते हैं और आपको एक अच्छा कार्टिलेज दोबारा मिल जाता है जिससे आपका लीजन ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर भी दोस्तों 1.5 महीने तक आदमी को वॉकर पर चलना पड़ता है, वजन नहीं देना पड़ता और धीरे धीरे रिहेबिलिटेशन चालू होता है। तो चारों ही सर्जरी के दोस्तों काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। इन चारों सर्जरी में से कौन सी सर्जरी मैं चूज़ करता हूँ वो डिपेंड करता है कि आखिर कितना बड़ा लीजन है, उसकी एनाटॉमी का है, कहाँ पर है और पेशेंट का बजट कितना। पर चारों के ही बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और अगर आपको लगता है कि आपके एमआरआई में ओसी लीजन लिखा हुआ है, ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन एंकल का लिखा हुआ है, शोल्डर का लिखा हुआ है या फिर नी का लिखा हुआ है, तो आप हमें अपनी एमआरआई भेजिए और मैं उसकी डिटेल में स्टडी करके बताऊँगा सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा आपको ठीक करने के लिए। हम रखें आपका ख्याल।